कुछ नियम हैं यहाँ की दवा के ना, वो आपको पालन करने हैं। पहला नियम ये है कि जो आपको पुस्तक दी है, ये पूरी पुस्तक को आपको अध्ययन करना है। और इस पुस्तक को जब भी आप आओगे, जितनी बार यहाँ दवा लेने आओगे, हर बार दवा लेने लाते समय इस पुस्तक को लेके आओगे। अगर पुस्तक आपके पास नहीं है तो आपको दोबारा ये दी जाएगी और 200 रुपये लिए जाएंगे, पहली बात। और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इस पुस्तक से आपको सवाल भी पूछे जाएंगे कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। दूसरा, आपको एक पर्चा दिया है जिस पर मैं दवा लिखूँगा, ठीक है। वो पर्चा गुम नहीं होना चाहिए, वो पर्चा भी लेके आओगे। अगर वो पर्चा भी गुम कर दिया तो आपको 200 रुपये पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ये आपको पालन करना है। और ये सभी पुराने रोगियों के लिए, जो इससे पहले भी थे उनके लिए भी और नए के लिए भी। ये परिवर्तन किया है, क्यों परिवर्तन किया है कि ज़्यादातर लोग लापरवाही करते हैं और पर्चे को वहीं गिराते हैं, फिर नई दवा लिखो। तो नई दवा लिखने से क्या होता है कि वो पीछे क्या दिया था वो मुझे थोड़ी ना हर एक रोगी का पता होता है, या लोग फ़ोन में ले आएंगे फ़ोटो खींच के, वो नहीं चलेगा। इसलिए ये 200 रुपये का आपका चार्ज किया है कि जो भी पर्चा नहीं लेके आएगा उसको 200 रुपये लगेंगे, पुस्तक साथ नहीं लेके आएगा उसको 200 लगेंगे, और पुस्तक को नहीं पढ़ेगा उसको भी पेनल्टी लगेगी, ठीक है। एक महीने के अंदर अंदर आप लोगों की ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है, जो रोगी कैंसर के हैं, समझ गए। ट्रेनिंग कैसे होगी? ट्रेनिंग आपकी यहीं होगी या हरिद्वार होगी, ज़्यादा संभावना यहीं होने की है। और ये आपकी 8 से 9 घंटे की ट्रेनिंग होती है, सुबह 9 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक। कैंसर के रोगियों के लिए मैंडेटरी है एक महीने के अंदर ट्रेनिंग करना। इस ट्रेनिंग को करेगा कौन? इस ट्रेनिंग को करेंगे या तो कैंसर रोगी चल फिर सकता है ठीक है तो वो खुद, या घर में जो भोजन बनाता है उसका, उसकी जो सेवा करते हैं, ताकि उस ट्रेनिंग में आपको समझा सकें कि भाई क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना बनाना है, कैसे व्यवहार करना है कैंसर रोगी के साथ प्रॉपर। क्योंकि मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि जितने रोगी दिए, दवा दी है यहाँ से, अधिकतम लोग परहेज ही नहीं करते, उनको ठीक से ना खाने का पता है ना दवा को वो समझते हैं। तो एक महीने के अंदर अंदर वो ट्रेनिंग आप लोगों को लेनी होगी, उसकी वीडियो आएगी, आप लोगों के पास फ़ोन आएगा, ठीक है। तो उस दिन आपको आना है, सुबह 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे आपको फ्री कर देंगे। जो बहुत ज़्यादा दूर से हैं वो रात्रि में यहाँ रुक भी सकते हैं एक रात्रि, ठीक है। जिस दिन आप आएंगे उस दिन का आपका रहना खाना यही व्यवस्था बनाई जाएगी, उसका जो सामान्य चार्ज है, जो आपका खर्चा है, वो आपसे लिया जाएगा। कैंसर के अलावा जो दूसरे रोगी हैं, मान लो शुगर है, थायराइड है, अन्य रोगियों के लिए कि 2 महीने में वो ट्रेनिंग करना है, ठीक है। क्योंकि उनके लिए अर्जेंसी नहीं होती है, वो बीमारी जानलेवा नहीं है, कैंसर जो है जानलेवा, इसलिए तुरंत उसकी ट्रेनिंग आपको लेनी होती है विद इन 1 मंथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है, सबको क्लियर है। किताब पढ़नी है, पढ़ के हर बार किताब लेके आनी है, पर्चा लेके आना है। नहीं लेके आओगे तो नई किताब आपको दिए जाएगी, 200 रुपये आपसे लिए जाएंगे। फिर आप ये नहीं कहना कि हमारे साथ ये गलत व्यवहार है, ये आपके लिए ही किया जा रहा है। दूसरा, एक चैनल का लिंक दिया है, उस चैनल पे जितनी वीडियो डाली जाती हैं वो लगभग आपके उपयोग की होती हैं, वो आपको सुननी है। एक ग्रुप के अंदर आपको शामिल किया है, सप्ताह में 3 क्लासेज चलती हैं उसकी, सुबह के समय, सुबह 5 बजे से 5:30-6 बजे के बीच में क्लास चलती है। तो उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपकी बीमारी क्यों हुई है, उसको ठीक कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ नियम में परिवर्तन किए गए हैं जिनका पालन आप सबको करना है।